नरेंद्र बहादुर सिंह हमको मिटा दे जमाना, अरे तो हमको मिटा दे जमाना, जमाने में तम नहीं, जमाना हमसे हम जमाने से। चलो इस वक्त हम चलते हैं सेनापत भंवर सिंह के बंगले पर। राम बली, इसलिए तो अपन कहावत में कहता है कि सकूने चैन से रिश्ता, अरे तो सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी। एक बात जान लियो, जाहे के पीछे परेशान रहो, लड़कावा तो मिलबे नहीं भा। राम बली, उस पिल्ले को हम ढूंढ निकालेंगे, आकाश पाताल हम एक कर देंगे। हम देखते हैं साला बचकर कहा जाता है, आओ मेरे साथ। आओ देखो, नियत खराब है यार, अब का करी भला बताओ। एक मुहे सार राज मातो कहा, एक तरफ सार नियतो धरे हैं। अब सेनापति जेल में बंद होएगा, अब के घर जा रहे हैं, अब के सेनापति देखो का करत है। एक तो मेरे साथे जाए तो मेरे शर्माई थे यार, लेकिन जाए तो पर करी। अब चल रहे हैं हम सेनापति के बंगले पर, क्योंकि सेनापति समय मौजूद नहीं है बंगले। क्या बताऊं, अभी तक मेरे स्वामी जी कालेश्वर का दर्शन करके नहीं आए, और उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं कब आएंगे वो अपने बंगले पर, और मुझसे वादा भी करके पीएम ही जल्दी आऊंगा। हो क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने। Hey
जी, वाकई आप बहुत अच्छा गाती हो। गाय नहीं सारे कहोगे बछिया लेती है, साला बेहुदा गाना गाती है, बहुत अच्छा गाना गाती है। देवर जी, तुम अकेले यहाँ पर? हाँ भाभी जी। आखिर मेरे स्वामी जी तुम्हारे साथ नहीं आए? कौन सा काम ऐसा पड़ गया कि तुम? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी रही ना, बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी रही और तुम्हें पति तुम्हें कैसी लड़ाई? अरे साइड पर बहुत लड़ाई छिड़ी। मेरे स्वामी जी को कुछ तो हुआ नहीं? नहीं कुछ नहीं भा, तो इनका भेद तीन कहें हमें घर चले जाओ, बंधन का त्योहार है। मेरे स्वामी जी कैसे हैं? स्वामी जी तुम्हें बढ़िया लड़ाई छिड़ी है, जब तक दुश्मन को मिटाने दे तब तक लौटी है ना। है कहीं जाओ हमें घरे चले जाओ, राखी वाखी बंधा ली हो। क्यों जी साले नालायक, हम यहाँ राखी बंधवाने आए? साला नालायक। भाभी जी तो जरा ध्यान से हमारी बात को सुनो। और भाभी जी है बात क्या और चेहरा है पर। भावर सिंह बंगले पर वापस नहीं आए। भाभी जी सुनो, मैं बता रहा हूं कि भवर के खातिर दिल ना दुखारी करो, भैरों सिंह आपकी खिदमत में है खड़ा। क्या कह रही हो? ओ थप्पा जी दगाबाज गया जेल है। ओ है पाजी दगाबाज गया जेल है, मुझको अपना समझ कर करो प्यार। नहीं बात करती आपसे बराबर।
बलि। सही तो यह है कि उस आदमी मुझको पसंद ही नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है। शर्मवाई न भरो तुझे जरा शरीर में आई। लड़ाई लड़ाई करे हुए तो मेहरारू आए ऐसे चिट्ठी हो भाई ना एक आदमी मेहरारू बुलाए लाए का को कर। नालायक मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि इसके ऊपर चक्कर चलाने आया हूँ। अरे साले ट्रैक्टर नहीं इसका चक्कर। रास्ते पर लग जा किसी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। रास्ते पर लग जाओ। अरे शकुंतला गौर कर मेरी बात को सुन। और जी आवाज में ना ही बोलने को क्योंकि मंत्री भैरव सिंह को ऊंची आवाज सुनना तनिक सा भी ना ही पसंद। कि शकुंतला बहुत पढ़ पढ़ कि तुम ना करो फसाया और महारानी को वो गया जेल है उसको मिली है तेरे पद। भवन सिंह ने महाराज के साथ ऐसा षड्यंत्र रचा है महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा कर युवराज आकाश का खून कर दिया है। इसलिए वो साला जेल गया है और उसे साने सजाए मौत का हुक्म दे दिया। ये कैसी बातें कर रही है? इसलिए तो कह रहा हूँ मेरी जान कि उस ससुरे को भूल जाओ और हमरा के अपना सनम मानकर मेरी बाहों में आ जाओ। शकुंतला कि नहीं और नहीं नाच नगरा तुम प्यारी
एक ही पप्पी की बात है, अपनी गुलाब जैसा ओट को चूम लेने दो। तू मुझे भाभी कहता है, आओ ना। आप भाभी मां समान होती है, तू इस तरह से बात कर रहा है। जब से हमने तेरी मचलती जवानी को देखा है, तब से हमरा के ससुरी इसकी बीमारी लग देवर जी, तुम्हारी तो मेरी बीवी है, क्या तुम्हारी बीवी खूबसूरत नहीं है? मेरी बीवी है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मुझे इश्क है तुम्ही से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की तू है। अरे हो डार्लिंग।